बात करना चाहती हूँ, उन्हें हम बोलते हैं कंबाइंड गिफ्ट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास चार चीजें मौजूद हैं। सबसे पहला है हैंड ग्रिपर, द सेकंड वन इज द रेस्पायरोमीटर, द सेकंड वन थर्ड वन इज द बॉल एंड द फोर्थ वन इज द पेडलर। इन चार चीजों को आपने अपने घर पे रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इनको अगर आप घर पे रखते हैं तो इनके क्या एडवांटेजेस हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, सबसे पहले मैं इसको आपको बता रही हूँ, हैंड ग्रिपर। अगर आप अपने घर पे ग्रैंड पेरेंट्स सबके हैं, ठीक है, जो भी फ्री हैं लोग, तो वो घर पे हैंड ग्रिपर लेके आए। इसको देखिए इस तरह से करना है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे स्प्रिंग्स होते हैं, आप अपनी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसी तरह से ही आप इस तरह से दूसरे का भी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हाथ एक ऐसी चीज है जिससे हमने सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में काम लिया है, तो एज के साथ कई बार कोई इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारे हैंड के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो आप अपने घर पे अपने लव्ड वंस के लिए हैंड ग्रिपर जरूर परचेज करें और आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब जो सेकंड चीज है, सेकंड चीज के बारे में मैं बताती हूँ, इसको बोलते हैं हम रेस्पायरोमीटर। हॉस्पिटल्स में ये देते होते हैं, ठीक है। अब क्या है, घर में लोगों ने अपनी रूटीन बनानी हो कि हमने अब जैसे घर पे ही एक्सरसाइज करनी है, तो इन छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल हम करना यूज कर सकते हैं। जिन्हें एस्थमा है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या जिन्होंने अपने सांस वाले मसल्स, जिन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने घर पे ये जरूर रखें। अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाएं कि इसे कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले ये ले लिया, ये इसका माउथ पीस है। अब ठीक है, मैंने ये अंदर को किया है, फिर इसको उल्टा करना है। उल्टा करके जैसे हम बैलून में हवा ब्लो करते हैं, 10 repetitions, ठीक है, दिन में एक बार दो बार। तो देखिए, जैसे ही आप इन चीजों को अपने घर पे लेके आते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ इनके बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, एक तो देखिए उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड हो गया, दूसरा उनको भी लगेगा कि हमारे पास कुछ करने के लिए है। क्योंकि एज इन माई होम विजिट्स एक्सपीरियंस आई हैव सीन पीपल से कि हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। तो ये छोटी छोटी चीजें उनकी लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐड कर देती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं पेडलर। इसके ड्यूअल एडवांटेजेस हैं, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका मैं लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, राइट। अब इसके ड्यूअल एडवांटेजेस है, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इसको आप देखिए हैंड्स के लिए भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। ये पेडलर एक्सरसाइज है, स्लोली स्लोली मैं कर लू, मैं चाहे किसी से बात कर लू, ये मेरी चॉइस है। अब मेरे देखिए, ये भी हो गई ना, पेडलर की एक्सरसाइज भी मेरी बहुत अच्छी हो गई। हैंड ग्रिपर के बारे में मैंने आपको बता दिया, चाहे आप ड्यूअल काम करते रहे, देखिए हो रहा है ना दो काम आपके, और आपको अच्छा भी बहुत लगेगा कि आई एम डूइंग एवरीथिंग। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं कि वो मुझे सेंटर पे लेके जाए, इट्स ऑल योर इंडिपेंडेंट, आपके खुद के इंडिपेंडेंस में है। तो ऐसे आगे आगे चीजें स्प्रेड होती हैं। बॉल, देखिए मेरे को अक्सर पेशेंट पूछते हैं कैसी बॉल यूज करें। नॉर्मल बॉल है जिससे हवा निकल जाती है, 30-40 rupees की बॉल आती है। इससे मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने घुटनों की एक्सरसाइज कैसे करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो लेडीज किचन में काम कर रही है, ठीक है, जिनका सिटिंग वर्क है, जिनके एज के साथ मसल्स वीक हो गए हैं, चाहे किसी ने ऑपरेशन करवाया है, कोई इंजरी हो गई है, ये एक्सरसाइजेस आर रिकमेंडेड। हमें अपने घुटने के नीचे रखनी है, ठीक है, मैंने इस तरह से रखा हुआ है, सीधे लेट जाया, इसको आपने प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर इसको प्रेस करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर बॉल को आपने उठ के अपने इधर रख लेना है थाई मसल के ऊपर, ठीक है, फिर आपने अपने पैर पर उठाना है इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज, अपने दोनों घुटने मोड़ के बॉल को बीच में रखना है,
और आपने प्रेस करना है 10 सेकंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भी अपने फ्री टाइम में, जैसे कोई भी अगर बच्चे भी देख रहे हैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए वो सीख सकते हैं और उनको भी वो गाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है, मैं फोर्थ पॉइंट की बात करती हूँ, टच हीलिंग। ये भी एक बहुत ही अच्छा अनकंडीशनल गिफ्ट है जिसके बारे में मैं बात करती हूँ। जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी का दुख रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को कप शेप पोजीशन में बनाएं। अब जैसे मेरे घुटनों में दर्द है तो मैं पेन फ्री पोजीशन, जहां पे मुझे नहीं दर्द, मैं कप शेप पोजीशन में ऐसे बना के अपने हैंड्स को मैं बीच में इस तरह से रखूं। ठीक है, टच करें, अपने उस पार्ट को छुएं, अपने हाथ से छुएं, 10 मिनट जरूर छुएं, 21 डेज जरूर प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप उस पार्ट पे टच करते हैं, आपका वो पार्ट हील होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे पीस आना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपकी पीठ है, चाहे आपके काफ मसल्स हैं, चाहे आपके शोल्डर्स हैं, ऐसे। तो ये ना वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमें अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव वंस के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको